देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। राज्य आंदोलनकारी भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने प्रेस क्लब में वार्ता करते हुए हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आंदोलनकारियों को 10% क्षेत्रीय आरक्षण को असंवैधानिक करार देने पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि इस मामले में 3 वर्ष पूर्व भी मुख्यमंत्री द्वारा घोषित कर राज्यपाल को फाइल भेज दी गई थी, परंतु सरकार द्वारा उस पर कोई ठोस नियम न बन पाने के कारण आज हाईकोर्ट द्वारा यह निर्णय लिया गया। इसके लिए आंदोलनकारी महामहिम राज्यपाल के पास जाकर कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए ज्ञापन प्रेषित करेंगे। हालांकि उनका कहना है कि यह आरक्षण नहीं है, केवल आंदोलनकारियों को एक सम्मान देने के लिए अलग से प्रावधान था। स्पष्ट करना चाहूंगा कि आंदोलनकारियों को मिलने वाला जो 10% आरक्षण था वो आरक्षण नहीं है, वो 37 आरक्षण है। एक तरीके से वेटेज है, वरीयता है, कंसिडरेशन है, क्योंकि 37 आरक्षण में सीधे सीधे पदों के अगेंस्ट आरक्षण नहीं मिलता, आरक्षण नहीं मिलता। उसके लिए न्यूनतम पदों पर एक आध पद कहीं सृजित होता है, तो ये भ्रांति है कि रिजर्वेशन है। ये वरीयता, वेटेज, कंसिडरेशन है, सम्मान। इस असंवैधानिक आरक्षण जो इसको डिक्लेयर किया गया, हम गवर्नमेंट से यही चाहेंगे शीघ्र अतिशीघ्र बिना समय गंवाए इसको स्टडी करें, इसकी समीक्षा करें। अगर चांसेस हाईकोर्ट में रिव्यू दाखिल करने के हैं तो पुनर्विचार के लिए अपील दाखिल करें, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट जाए। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि रिजर्वेशन जो है वो राज्य का विषय है, राज्य सरकारों का, राज्य की विधायिका का, लेजिस्लेचर का, संविधान द्वारा प्रदत्त हमको अधिकार है। कोई भी स्टेट अपने यहाँ किसी को भी जिनको मुनासिब समझती है, कितने समय, कितने वक्त, किस सीमा तक और कितना प्रतिशत आरक्षण निर्धारित कर सकती है, ये अनचैलेंजेबल है। आप देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।